पीछे हमारा एक जीवन का जो ना एक तत्व बन गया कि हमको जो ना खाने के लिए रोटी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, रोटी पकाने के लिए अग्नि आठी चाहिए, ऐसा हमारा जो ना एक जंगल भी हमारा जीवन एक जीवन के साथ जुड़ गया है। तो उसमें हमको जो ना जीने में बहुत परेशानी आ रही थी और जंगल तो जो ना पूरा खत्म हो गया था, लकड़ी मिल नहीं रही थी और इसलिए हम जो ना मट्टी बचाओ, पानी बचाओ, जंगल बचाओ, जानवर बचाओ और जन बचाओ, पांचों पॉइंट पे हम संगठन चालू किया। अभी तक जो ना 20 साल हो गया, 20 साल में हमने जो और सैकड़ों पोटिशन जो ना हमने चलाया है और जितने भी चलाया उनसे हमारा कोई जो ना हिंसा हुआ है ना प्रशासन से हिंसा हुआ ना हमसे हिंसा हुआ। हम जो ना कानून के दायरे में रहकर जो ना काम किया है और जितने भी काम किए उतने काम जो ना हमारा प्रशासन ने अभी तक हमको जो ना कोई हम लोग जो ना गलत नहीं किया, पर प्रशासन जो कोई हमारा जो ना इन्हें गिने लोग रहता है वो हमारे खिलाफ जो ना कई केस जो ना दर्जे करवाए हैं और उस दर्जे केस के ऊपर जो ना हमने सब केस बरी हो गया। अभी तक हमारा जिला प्रशासन में चल रहा था वो केस भी बरी है, फिर भी हमको जो ना प्रशासन जो ना कहती है कि तो दलाल है, गुंडा है, लोगों को दबाते हैं और सभी लोगों को जो ना तेरे खिलाफ जो ना आवाज़ नहीं उठाने देते, तो तू तेरे को जो ना अभी जिला बदल किया जाए, ऐसा कलेक्टर ने जो ना एक पत्र निकाला है। आदिवासी समाज ये मान रहा है कि ये हमला मात्र वालसिंह भाई पर नहीं है, ये पूरे आदिवासी समाज पर हमला है और उन तमाम आदिवासियों पर एक हमला है जो अपने संवैधानिक और कानूनी हक जानते हैं और उन हकों के लिए शांतिपूर्ण अभियान चला रहे हैं, शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं। वालसिंह भाई के जिला बदर नोटिस में ये बताया गया है कि वो इसलिए कुख्यात गुंडा है क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे पुलिस केस लगे हैं। वो तमाम पुलिस केस जो वालसिंह सस्ते के ऊपर लगे थे, तमाम केसों में वो बरी हो चुके हैं। सिर्फ 3-4 केस ऐसे हैं जो अभी भी पुलिस विवेचना में है, वो कोर्ट पहुंचे ही नहीं है, उनके अलावा सभी केस में वो बरी हो चुके हैं। ये केस क्यों लगाए गए थे? ये सभी केस आदिवासियों के शांतिपूर्ण रैली, धरना, शांतिपूर्ण अभियान के तहत लगाए गए थे। और वो अभियान किस लिए थे? वो अभियान ये थे कि ग्राम सभाओं के प्रस्तावों का पालन किया जाए, ग्राम सभा के अधिकारों का हनन नहीं किया जाए, मनरेगा में पूरी मजदूरी दी जाए, मनरेगा में समय पर मजदूरी दी जाए, पूरा राशन व्यवस्था दिया जाए, ये जो पंचायत स्तर पर जो गबन हुआ है पैसों का, उस गबन के ऊपर कार्रवाई की जाए। पहले तो हमारा बहुत स्थिति खराब थी, संगठन समाज सेवा से करने से हमने थोड़ा बहुत जंगल बनाया, गरम सभा के पीछे या गरम सभा का उपयोग होने नहीं देते, गरम सभा के पीछे पड़े हमने पेड़ पौधे लगाए, उसके बाद और ये अनाज के मुद्दे के लेके चल रहे, राशन को लेके, हाँ राशन लेके, तो उसमें बहुत सारे लोगों को नाम काट गया राशन में। सरकार बोल रहे एक तरफ कि आधार है नहीं, आधार नहीं है, उसको गांव राशन मिलना चाहिए, बाकी उसमें 10 जन हो तो उसमें 2 जन के गांव मिल रहे, 8 जन के नहीं मिल रहे, उसमें काई कारण से काट गया पता नहीं कि कैसा काट गया कि तुम्हारा आधार अपडेट नहीं है, तो इन्हीं सब मुद्दों को लेके लड़ते हैं। हाँ, ये मुद्दों को लड़ते हैं। हम तो जो ना ये देखते हैं अभी कि हमारा जो संगठन है वो 20 साल का जो ना काम हमारा जो ना चल रहा है वो काम हमारा जो ना संवैधानिक दायरे में रहकर करते हैं, हमारा अधिकार का काम करते हैं, लोगों को जागरूक किया है, लोगों को रोजगार दिलवाए हैं, लोगों को शिक्षा दिलवाने की बात करते हैं, लोगों का अस्पताल का इलाज दिलवाने की बात करते हैं, तो प्रशासन जो ना भ्रष्टाचार करते हैं उस भ्रष्टाचार को लेते हुए लगता है कि ये वालसिंह जो ना सभी लोगों को जागरूक करता है और अधिकार की बात करके जो ना उनको रैली धरना करवाते हैं, और कई पुलिस शासन से हमने जो ना रिश्वत दिल्ली हुई जो ना वापस भी दिलवाई है, तो उनको लगता है कि ये चीज़ जो ना उनको वालसिंह को जिला बदल किया जाए तभी हमको जो ना शांति से जो ना भ्रष्टाचार करने के लिए मौका मिलेंगे और ये यहाँ तक रहेंगे तब तक हमको जो ना ये भ्रष्टाचार का मौका नहीं देंगे, इसलिए हमारे ऊपर जो ना जो केस जो ना लगातार जो ना झूठा झूठा केस लगाया गया है।
ऐसे जो जो केसों का हवाला दिया गया है उनमें एक भी केस है कि ग्राम सभा ने बोला कि हमारे यहाँ कैल्साइट खदान नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती कैल्साइट खदान खोला गया, उसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया, तो उसके वो आंदोलन के जवाब में केस वालसिंह भाई पर लगा है। सरकार से हम बनाते, विधायक से हम बनाते, तो हमने मांगेंगे तो हमारा अधिकार कौन मांगेंगे? हमने मांगेंगे तो कौन मांगेगा? ये मांगने के लिए जाता तो उनके पे केस करना और जिला बदल करना, ये नीति चलाते। हमने ये सोचा कि आप हम जिला बदल करे तो सबके जिला बदल करो। ये इस प्रकार के ये 18 साल पुराना केस, 18 साल पुराना केस जिसमें वो बरी हो चुके हैं, बाइज्जत बरी हो चुके हैं। ऐसे केसों के हवाले देते हुए आप एक कुख्यात गुंडे हैं और आपका संगठन जो है ना कुख्यात गुंडा है, और आप और आपके आपके संगठन के खिलाफ ये कार्रवाई, आपके संगठन को दबाने के लिए ये केस लगाया जा रहा है। ये जो मैसेज आदिवासी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं उसके खिलाफ बुलंद आवाज बुलंद आवाज से उसका खिलाफत कर रहे हैं, और आंदोलन उनका जारी रहेगा, बल्कि ज्यादा ज्यादा ताकत के साथ, ज्यादा ऊर्जा के साथ अभी ये आंदोलन चलेंगे।